हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो दैनिक न्यूज़ और आज हम बात करने वाले इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में। साथ ही साथ ये वीडियो रिक्वेस्टेड होने वाली है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपडेट में बताया था कि INS विक्रमादित्य अपने बेस से ऑलरेडी निकल चुका है अपने बैटल ग्रुप के साथ, जिसमें कुछ सपोर्ट वेसल्स हैं और कुछ टग बोट्स हैं, ऐसा सैटेलाइट इमेजेस में निकल के आया है। ये जो घटना है ये 6 अक्टूबर की थी और मैंने ऑलरेडी से जब अपडेट में कवर किया था तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि INS विक्रमादित्य में जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो कैसा है और साथ ही साथ INS विक्रांत का जो कैरियर बैटल ग्रुप होगा वो कैसा होगा या फिर इसका एयर विंग और कितने एयरक्राफ्ट्स ले जाने में सक्षम होगा, क्योंकि जो टन्स का डिफरेंस है उसमें काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ में हम बात करेंगे आज डिटेल में। और मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर दूं, किसी भी मिशन के लिए कैरियर बैटल ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं। जिस टाइप का मिशन है उस टाइप के कैरियर बैटल ग्रुप्स हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं INS विक्रमादित्य की, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बार जान लेते हैं INS विराट को, जो कि अभी डीकमिशन होने की स्टेज पे आ चुका है, लेकिन इसे बचाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। INS विराट में 16 सी हैरियर विमान रहते थे जो कि वर्टिकल लैंड एंड टेक ऑफ कर सकते थे, मतलब F-35 की तरह ही। 2 से 3 डिस्ट्रॉयर होते थे जो कि राजपूत क्लास के हो सकते थे या फिर दिल्ली क्लास के हो सकते थे। 2 से 3 फ्रिगेट्स भी होते थे जिसमें गोदावरी क्लास के फ्रिगेट्स हो सकते थे या फिर ब्रह्मपुत्रा क्लास के फ्रिगेट्स हो सकते थे। 1 कॉर्बेट होता था जो कि खुखरी क्लास का। 1 फ्लीट सपोर्ट शिप की रहती थी जो कि INS ज्योति या फिर INS आदित्य होता था। 1 सबमरीन जो कि सिंधु घोष या फिर शिशुमार क्लास की हो सकती थी। अब हम बात कर लेते हैं INS विक्रमादित्य के बारे में। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन नेवी में 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2013 में कमीशन कर लिया गया था और इसे हमने खरीदा है रशिया से। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में। तो इसका जो सबसे पहले बात करते हैं एयर विंग के बारे में, जिसमें MiG-29K आते हैं जिसे आर्म किया गया है 30mm GSS गन से जो कि कैनन गन है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, जो BVR, R-73, CCM, KS-35, KS-31 गाइडेड बॉम्ब्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अब तो इसमें अस्त्रा BVR मिसाइल्स भी लगाने की बात की जा रही है। 4 KA-31 AVAX हेलीकॉप्टर्स हैं इसमें, 4 KA-28 ASW हेलीकॉप्टर्स हैं, 1 आर्म टॉर्पीडो और 36 सोनोबॉयस, 2 हाल चेतक, 2 हाल ध्रुव और इस कैरियर में 430mm के AK-630 CIWS और 24 बराक 1 मिसाइल लगाए गए हैं जो कि एंटी एयर रोल। जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आता है तो एंटी एयर रोल में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है, जब भी वो अगर कोई मिसाइल अटैक करता है तो उसके लिए। डिस्ट्रॉयर होते हैं जिसमें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं या फिर दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं। ये दोनों डिस्ट्रॉयर्स ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसमें बराक 8 मिसाइल भी लगी हुई है जिसे आप मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल भी कह सकते हैं। उसमें काफ़ी टॉर्पीडोज भी लगे रहते हैं और साथ ही साथ 6000 ASW रॉकेट लॉन्चर्स भी इसमें लगाए गए हैं, किसी भी सामने वाली शिप को गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। इसमें 2 से 3 और फ्रिगेट रहते हैं जिसमें शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हो सकते हैं या फिर तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हो सकते हैं या फिर जो रशिया से आने वाले फ्रिगेट्स हैं स्टेल्थ फ्रिगेट्स, उन्हें भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें भी 32 बराक 1, सैम 2, साथ ही साथ कैनन्स भी लगे रहते हैं, 530mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगी रहती हैं, ASW रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे रहते हैं और उसके साथ इसके साथ 1 या 2 मिसाइल कॉर्बेट भी होते हैं, जैसे कि कोरा क्लास के कॉर्बेट हो सकते हैं जो कि AK-176 ऑटो मेलेरा नेवल गन कैरी करते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी गन्स लगी रहती हैं जो कि पास आए हुए जितने भी कह सकते हो शिप्स होते हैं या फिर डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए होती हैं। 1 ASW कॉर्बेट होती है जो कि कमोर्ता क्लास की हो सकती है, इसमें भी काफ़ी रैपिड गन्स लगी रहती हैं। इसका भी यही काम होता है, आसपास जितनी भी शिप्स आ रही हैं उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको प्रोटेक्ट करना किसी भी डिस्ट्रॉयर या शिप को पास आ जाने से। 1 रिप्लेसमेंट टैंकर लगा रहता है जिसमें INS ज्योति हो सकता है या फिर दीपक क्लास की फ्लीट टैंकर्स हो सकती हैं जो कि रीसप्लाई करती हैं। जैसे इसमें फूड्स भी रहते हैं, इसमें ऑयल भी रहते हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को सबमरीन्स को जब भी ऑयल की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो देती हैं। 1 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो सकती है, या तो वो INS चक्रा है अकुला क्लास की सबमरीन जो हमने लीज पर ली गई है। इसमें 530mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो 40 टॉर्पीडो कैरी करती है और इग्ला एम एयर टू एयर जो मिशन है ये भी ये कर सकती है सरफेस पे आने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं INS विक्रांत के बारे में। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि इंडिया अपने लेवल पे बनाएगा या फिर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आप इसे कह सकते हो। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में टोटल 20 साल लगे। 1998 में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2009 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और अभी तक 2020 आ गया और 2021 में ये सी ट्रायल्स के लिए जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए
जो कैरियर बैटर ग्रुप है वो कौन सा होगा। अभी एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में सेल नहीं कर रहा है तो ये अभी कम्प्लीटली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जैसे कि चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से हम आपको इसका एक डिटेल व्यू दे सकते हैं। या तो इसमें MiG-29 की के जो हमारे पास दो स्क्वाडन है वो लगने वाली हैं, जिसमें से एक स्क्वाडन INS विक्रमादित्य पे और दूसरी स्क्वाडन INS विक्रांत पे होगी, क्योंकि अभी तक जो 36 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो फाइटर जेट्स लेने हैं उसको अभी तक डिसाइडेड नहीं किया गया है। लेकिन जब वो आ जाते हैं तो हमारे पास FA-18 सुपर हॉर्नेट होगा या फिर रफाल का मरीन वर्जन होगा। इसमें MH-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे जो कि सबमरीन मिशंस मतलब एंटी सबमरीन मिशंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। दो MK-46 टॉर्पीडो भी कैरी करते हैं। KA-31 AVAX हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, दो HAL ध्रुव और इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 4 30mm AK-630 CIWS के साथ होगा और 48 बराक 8 MR SAM भी इसमें लगाए जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके डिस्ट्रॉयर्स फ्लीट के बारे में, तो इसमें विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स लगने वाले हैं जिसमें BA की MK-45 नेवल गन लगी होगी, 16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर रहा होगा, बराक 8 मिसाइल्स कैरी कर रहे होंगे, इसमें टॉर्पीडो ट्यूब्स भी होंगे, ASW रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे और साथ ही साथ इसमें कोलकाता क्लास के भी डिस्ट्रॉयर्स होंगे। जैसे कि मैंने 2-3 बोला है तो या दो विशाखापट्टनम के हो सकते हैं या फिर एक कोलकाता क्लास का हो सकता है, सो ऑन सो। और इसमें भी 16 ब्रह्मोस कैरी किया सकता है, 32 बराक 8 MRs हैं, 30mm की AK-630 CIWS और कई टॉर्पीडो ट्यूब्स भी होंगे और रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे। बात कर लेते हैं फ्रिगेट्स के बारे में, तो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स इसमें लगने वाले हैं जिसमें 2-3 फ्रिगेट होंगे, जिसमें MK-45 नेवल गन, 8 ब्रह्मोस, 32 बराक 8 जो कि MRSAM है, कई सारे टॉर्पीडो ट्यूब्स भी इसमें होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे और इसके साथ साथ इसमें तलवार क्लास की फ्रिगेट्स भी लगने वाली हैं जो कि रशिया से बन के आएंगी, जिसमें 8 ब्रह्मोस होंगी, 24 स्टिल 1 सैम लगा होगा, 8 इग्ला एम मैनपैड्स भी लगे होंगे जो कि एयर रोल के लिए आएंगे। जब भी कोई एयरक्राफ्ट पास में आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कोई एयरक्राफ्ट पास में आता है तो उसकी स्पीड स्लो करनी पड़ती है जब भी वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक करना चाहता है तो। और उसके बाद इसमें एक ASW कॉर्बेट होगा जो कि कमोर्ता क्लास का होने वाला है, 176mm OTO मेलेरा सुपर रैपिड गन माउंट के साथ आने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी गन मानी जा सकती है। इसमें ASW रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे होंगे जो कि 6000 के करीब करीब राउंड फायर कर सकते हैं, 16 SR SAM भी इसमें लगे होंगे, मतलब फ्यूचर की बात है ऐसा लगाना है। साथ ही साथ एक रिप्लेनिशमेंट टैंकर INS ज्योति, INS दीपक क्लास की फ्लीट टैंकर्स हो सकती हैं जो कि रीसप्लाई करती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है फूड्स की रीसप्लाई हो सकती है, ऑयल की रीसप्लाई भी हो सकती है या फिर किसी और चीज़ की भी हो सकती है। एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगी जो कि INS चक्रा होगी, इम्प्रूव्ड अकुला क्लास की, जैसे कि हम एक और सबमरीन लीज करने वाले हैं रशिया से बहुत ही जल्द, तो ये 533mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स लेती हैं जिसमें 40 टॉर्पीडो कैरी कर सकता है और ये इग्ला एम को भी कैरी करेंगी जो कि एंटी एयर रोल में आएंगे जब ये सरफेस्ड होते हैं। ये रहा दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का ओवरव्यू, लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे INS विशाल के बारे में जो कि ये नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है इंडिजिनस, लेकिन जैसा कि अभी तक इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है इसीलिए हम इसके बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसा कि INS विशाल में एक LHD होने वाला है, ये तो 36 से 40 एयरक्राफ्ट कैरी करेगा ही, जिसमें TBWF हो सकते हैं या फिर MCA हो सकता है या फिर जो हम रफाल M या FA-18 हॉर्नेट लेंगे वो, कई हेलीकॉप्टर्स भी करेगा डेफिनेटली, उसमें MH-60R होंगे ही, एक हेलीकॉप्टर डॉग भी होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे जो कि स्टेल्थ होने वाले हैं, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स भी होंगे जो कि ऑलरेडी बन रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स भी होंगे जो स्टेल्थ होंगे जिसमें ब्रह्मोस भी कैरी करेगा, एक कमोर्ता क्लास की कॉर्बेट होने वाली है, एक सपोर्ट वेसल होगा या फिर दो सपोर्ट वेसल होंगे और दो न्यूक्लियर सबमरीन होगी, या तो वो SSN हो सकती है या फिर अगर हम कोई सबमरीन उस वक्त रशिया से लीज पे लेंगे। ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है INS विशाल के बारे में, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, और INS विक्रांत के बारे में भी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।